हेलो फ्रेंड्स, सीएसवीटी भिलाई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था 28 दिसंबर 2021 को, जो कि है आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म नवंबर दिसंबर 2021 के संबंध में। साथ ही एनरोलमेंट फॉर्म को लेकर भी यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए 28 दिसंबर को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट बताया गया है, जो कि है आपकी 31 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट है 9 जनवरी 2022। सिर्फ ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वही एक्सेप्टेबल है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं है। बी एट्थ और सेवन्थ के लिए, साथ ही बी फार्मेसी सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म मंगाए गए हैं एग्जामिनेशन की। साथ ही यहाँ पर टाइम टेबल भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, इन केस अगर कोई स्टूडेंट अपियर नहीं हो पाए थे डिजिवर्सिटी पोर्टल में ड्यू टू अनडिक्लेयर्ड रिजल्ट, या फिर डिटेन कैटेगरी, या फिर कॉलेज ट्रांसफर, या फिर किसी अदर रीजन से, तो वो स्टूडेंट जो हैं अपने पेरेंट कॉलेज से कॉन्टैक्ट करेंगे बिना किसी देरी के। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है। साथ ही यहाँ पर एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए यूज़र मैनुअल भी दिया गया है। साथ ही स्टूडेंट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो प्रीवियस TR जो है TCS पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे और उन्हें जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वेरिफिकेशन की उस समय अपने साथ रखेंगे। अगर आपने डिजिवर्सिटी पोर्टल में फॉर्म फिल किया था ट्रायल मॉक फॉर्म, और अगर आपको ID पासवर्ड के इश्यूज़ आ रही हैं, तो जो है आप अपने इंस्टीट्यूशन अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर लेंगे, वहाँ से जो है आपको इसके लिए मदद मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर एग्जामिनेशन ऑफलाइन कंडक्ट होगा, इस तरीके से जो है बताया गया है। साथ ही एनरोलमेंट फॉर्म जो है आपका, उसके लिए डेट बढ़ा करके 6 जनवरी तक का किया गया है, तो आप जो है एनरोलमेंट फॉर्म 6 जनवरी तक फिल कर पाएंगे। साथ ही इसमें एनरोलमेंट फॉर्म के लिए जो 2500 रुपये की जगह 1500 रुपये किया गया है एनरोलमेंट फॉर्म फीस, उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है कि जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है उनको पैसे वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, क्या प्रोसीजर है इसके बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया है। तो जो है आप इसके लिए एक बार अपने पेरेंट कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे जो लोग हैं कमेंट कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो 1 जनवरी को ही उनका रिजल्ट आ चुका है, बी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर बैकलॉग वाले अप्रैल मई 2021 का, और डिप्लोमा फिफ्थ और सेमेस्टर सेवन सेमेस्टर बैकलॉग अप्रैल मई 2021 का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो आप अपना रिजल्ट जो है लॉग इन करके चेक कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, वीडियो डिले है, मैं आप लोगों को जल्दी इन्फॉर्म नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।